गाइस मैंने पहली बार थोड़ी शिद्दत से खाना बनाया है, तो अभी मैं तेजस को दे रही हूँ कि वो ट्राई करे। देख वैसे तेजस की सर्जरी हुई है अभी थोड़े दिन पहले, तो तेजस है थोड़ा सा बीमार, तो यार इसलिए मैंने अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाया। मम्मा इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, भाई खाना ये बनाना मुझे नहीं आता है। कुकी कुकी भी तूने बनाई है। नहीं, कुकी कुकी शायर ने बनाई है। अगर कोई मुझे बोले ये चावल खाने हैं कुकी खाने हैं, तो मैं हमेशा कुकी खाऊंगा। चावल खाने हैं या कुकी खानी ऑब्वियसली कुकी खाऊंगा। मेरा प्यार ना, पहले सिर्फ अच्छा टेस्ट तो करूं दही तेज में। से पूरा उसके साथ ही आएगा। नहीं, क्यों आएगा? और दही ये तो चार मैं ले थोड़ा करूंगा। सा। अच्छा बनेगा ना, इतने गर्म नहीं है। बहुत गर्म है। नहीं, नहीं अच्छे, झूठ बोल रहा है। बढ़िया है काफी। इतना झूठा है। मस्त है, बहुत बढ़िया बनाए। अच्छे जैसे होते हैं वैसे बनाए हैं। पुलाव है, वेजिटेबल्स हैं, आलू कट किया मैंने, हाँ बहुत अच्छा ब्रोकली है। कट करी तेरे लिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छा। पागल हो गई है, ये देख लो नानी को देख के। नानी को डॉक्टर पे लेकर जा रहे हैं और सुबह सुबह ये देखो, वो भी पागल हो गई। मर नहीं जा रहा, कोई हाल है करके पास चले नानी को लेके। चलो चलो चलो, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द जवाब। पूरा जवाब दे दिया। मॉडल दांत। चलो वो देख, आ भी गया ये वाला बोल कि जो तेरा गले पे टैटू है, दिखा इधर, इधर दिखा, जो तेरा ये गले पे टैटू है और जो तूने हाथ पे टैटू बनवाया है, ये बोल कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इसे रिग्रेट नहीं करूंगा। जब मैंने ये टैटू बनवाया था तब मैं था 15 साल का। अच्छा, उसको छोटी एज कहते हैं। अच्छा, तो मैं ये अब इसलिए रिग्रेट करता हूँ। हाउ डू यू नो कि तू अभी इतना छोटा नहीं है? बात आप बार बार काट दोगे तो फिर बंदा कम्प्लीट कैसे करेगा? आप ही जो फिर मैं समझा रहा हूँ ना कुछ। तो ये टैटू मैंने तब कराया था जब मैं 15 साल का था। तब बंदे को प्यूबर्टी हिट होती है, काफी चीजें समझ नहीं आती। और हाउ डू यू नो कि तुझे अभी सब कुछ समझ आ चुका है? क्योंकि मैं अब 21 साल का और 22 का हो जाऊंगा। अच्छा, अब मुझे इस टैटू का तो उस टाइम तो तूने ये नहीं, जब मैंने जब मैंने जब मैंने फर्स्ट टैटू करवाया था, ये टैटू करवाया था, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि उस चीज का कोई मीनिंग होना चाहिए या मेरी लाइफ का उससे जुड़ा होना चाहिए। मैंने ऐसे ही कराया था कि मेरे को टैटू कराना है। तो आप क्यों सोच रहे हैं कि मेरे को ऐसा ही टैटू कराना चाहिए था जो लाइफ से मीनिंग में जुड़ा हो? क्योंकि तेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है ना। पहले तू नहीं बिलीव करता था कि कोई टैटू तेरी लाइफ से मीनिंग जुड़ा हो वो करवाऊ, इसलिए अब तू रिमूव कराना चाहता है। क्योंकि वो टैटू का कोई मतलब पहले भी नहीं था, क्योंकि पहले मेरी लाइफ का मतलब ही नहीं था। तो व्हाई डज इट नॉट स्टे विद यू? इट शुड बी अ परमानेंट ओपिनियन ना। नाउ दैट यू हैव ग्रोन अप एंड यू फाउंड द मीनिंग ऑफ योर लाइफ, तो तेरे लिए वो टैटू इररिलेवेंट हो चुका है। दैट्स व्हाई यू वांट टू रिमूव इट। इसीलिए मैं कहती लाइफ में टैटू मत बनवाओ। तो तुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जाके मुझे लगेगा कि नहीं, पहले ये जो अभी मैं जी रहा हूँ वो इररिलेवेंट हो जाएगा? हाँ, obviously. भाई इररिलेवेंट नहीं होगा, but you will grow out of it and you will think that I don't. तो बेवकूफ है कि उनको बोला जाता है कि नहीं 18 साल के बाद आप लाइसेंस बनाओ, 25 के बाद आप दारू पियो। वो पॉइंट ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉइंट? क्योंकि बड़ा हो जाता है आदमी, तब सेंसिबल हो जाता है। यू विल ग्रो आउट ऑफ दैट टैटू, यू विल चेंज, योर लाइफ्स पर्सपेक्टिव्स विल चेंज एंड यू विल जस्ट थिंक कि हाँ अब मेरे मैं ये परमानेंट स्कार नहीं रखना चाहता। इसे देख देख के मैं खुद को रिमाइंड नहीं करना चाहता कि मैं इस चीज में बिलीव करता था पहले। होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी कोर चीजें होनी चाहिए ताकि आपको आगे जाके हेल्प करे ग्रोथ में। मुझे ऐसा लगता है आपको आप ग्रोथ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो अगर आप एक पर्टिकुलर टैटू करवाते हो, क्योंकि आप वही देख के उसी लूप में रह रिमाइंड करा रहे हो खुद को। तू ये बात बता, ये तू जो टैटू देखता है तू बार बार देखता है ना, रिग्रेट करता ना, क्यों कराया क्यों कराया क्यों कराया? ऐसा तो तूने बोला मुझे रिमूव कराना है। वो तो किसी और को अगर मैं देख लेता हूँ किसी और ने भी ये करा रखा है तो मुझे रिग्रेट होता है कि क्यों कर लिया। एग्जैक्टली, मुझे ये नहीं है कि तूने भी तो किसी से कॉपी किया था, कि मेरे को ये कि लोगों ने कॉपी क्यों कर लिया। तो हमने शायर को कर दिया है पूरा परेशान, हमने उसको अपने आप को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया। गाइस, हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं तेजस के घर पे और आज है रमेश का बर्थडे ईव, तो उसी के लिए मैं रेडी होके आई हूँ। आप ऐसे सोच रहे होंगे मेकअप वेकअप करके घूम रही हूँ, पर हम बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं और पूरा घूम फिर के संसार में मैं यहाँ पहुँच भी चुकी हूँ, लेकिन आयुषी मान ऐसी बंदी है जो 2 घंटे से अभी तक घर से ही नहीं निकल पाई और वो तेजस के घर के बहुत पास रहती है। तो मैं इतनी दूर से यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँची है। देखते तेजस के क्या हाल है।
गिफ्ट आपका गिफ्ट है। कहाँ जा रहे हो? अक्षय भी पूछ रहे आयुषी का है। आयुषी कभी टाइम से हो ही नहीं सकती गाइस, कभी नहीं हो सकती आयुषी टाइम से। इनको लग रहा है वो जिम गई है। ऐसा कभी हो सकता है कि वो जिम जाके फिर आए और दिन में इतने सारे काम कर ले? दिन में वो सिर्फ एक काम कर सकती है, या तो वो जिम करेगी या फिर वो कुछ और काम करेगी। वो सारे काम एक साथ नहीं कर सकती है। ये देखो ये आई है अब, पता नहीं क्या। ऐसे तैयार होने का क्या फायदा अगर आप टाइम से ना आ पाओ? अभी भी आई है, 200 रुपए की ड्रेस पहन के 500 रुपए का डाउन कर रही है क्योंकि तेरा कवर बड़ा सुंदर लग रहा है। थैंक्स, ये तेजस ने मुझे कल लेके दिया। इसके पैसे भी किसी और तरीके से भरे जा रहे हैं। इसकी ट्रांजैक्शन मैंने कर दी है। मुझे कहती सुबह की ट्रांजैक्शन हमारी गलती है। थोड़े टाइम पहले तो तेरे पास था ट्रांजैक्शन करने का तरीका। जिम गर्ल है भाई, इतना तो उठाई सकती है, इसमें क्या है? माय बैग इज टू हैवी। इतना लेट हो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग करने क्या जा रहे हैं। जब पता है इन्हें कि पूल पार्टी है और 2 बजे का इनवाइट है। वैसे तो जो होस्ट है वो खुद भी लेट है, लेकिन हमें तो थोड़ा सा तो टाइम से जाना चाहिए ना। मैं मुझे कराती हूँ, फिर मेरे दो दिन मेरी मुझे आ जाती है। कैसी जिंदगी है ये? मुझे कराती है 2 दिन में दोनों की। हमारे लड़कियों का टेस्टोस्टेरोन थोड़ा हाई है, तभी तुम्हारी बॉडी बन रही है। मुझे भाई फुल फेस पे दाढ़ी, मुझे पहले लड़का पैदा होना चाहिए था भाई ना, कोई टेंशन। क्यों ऐसा क्यों? दाढ़ी दूड़ी नहीं करानी पड़ती ना, फिर वैक्सिंग नहीं करानी पड़ती। ये लड़कों की और दिक्कत है पता है, कितनी सारी होती है। क्या होती है? कुछ और दिक्कत होती है हमारे साथ, तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है भाई। तुम्हारे तुम्हें तुम्हें अगर पीरियड्स आ रहे हैं ना और तुम अगर यू उसका उसका मतलब पता है क्या होता है? यू हैव अ फकिंग एबिलिटी टू गिव अ बर्थ, यू आर ब्लेस्ड। जिम करते हुए भी एवरी वीक देयर इज अ डिफरेंट साइकिल। हाँ ठीक है मैं आपको एक सरप्राइज मिलेगा 600। हैप्पी बर्थडे विभू, बोल चलो बोलो हैप्पी बर्थडे विभू। हैप्पी बर्थडे विभू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय, पार्टी एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू। यस व्लॉग चल रहा है। हेलो गाइस, तो वो मैंने उसी टाइम 2 महीने पहले प्रेडिक्शन कर ली थी कि इसकी जिंदगी में अभी सिंगल ही है जो है। इस बार लड़ाई नहीं करनी ना तूने बर्थडे कर दे। अभी तक तो कोई गले अभी आगे भी नहीं आया। हमारा हमारा रिकॉर्ड है गाइस, हर मतलब 4 साल साथ रहे, जितने भी साल से जानते हैं इसका बर्थडे कभी नहीं मनाया। या तो ये इसकी टेक्निक है कि इसको चोर है, इतनी चोर है ये। बर्थडे कुछ नहीं करती भाई, इसको जानबूझ के लड़ाई करती है ताकि इसको सेलिब्रेट ना, मतलब पार्टी वार्टी ना देनी पड़े, पैसे बचाने पड़े। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे गया था मैं अपनी लाइफ की, मेरे को वहाँ पे दिक्कत चाहिए ही नहीं थी। बट गाइस तेजस ने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे प्रॉमिस किया था वो मुझे बाली लेकर जाएगा, लेकिन वो अपने लड़को दोस्त के साथ चला गया और अब थाईलैंड जा रहा हूँ। नहीं प्लीज, बैचलर है मेरे दोस्त, नॉट अलाउड, नॉट आफ्टर बाली, यू कांट गो। हम आ गए हैं पार्टी करने। Nice. The entrance is pretty pretty. Oh, happy birthday to you. माफ किया तेरे को, कोई बात नहीं। आ जा खड़ी हो जा, आ जा। सब जा चुके हैं, हम सब आ गए, हम पार्टी कर रहे हैं। कोई गिरा नहीं सकता। भूखा भूखा इसको दियो। ओ क्यूट आई है, बिल्ली लग रहा है, तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है भाई। हाँ 3 दुकानें ढूंढ गए, एक गलत भी खरीदा था। इसका सेल लाइक ढूंढा हमने, 3 बार स्टॉप लिया है इसके सेल लाइक के लिए। अरे क्या हुआ, नीचे क्यों आ गए? क्या हुआ, इरिटेट हो गए? वीडियो बन रही थी, मत करना यार। तेजस मुझे इरिटेट करता है ना, तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग में मैं तेजस को अच्छे से इरिटेट करूंगी। ये बोल के इरिटेट करता है, वैसे बिना बोले ही इरिटेट कर देती हूँ गाइस। 36 पे पहुंच गए तिलक और मैच देख रहा हूं, मात्र 15 गेंदों में। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप इरिटेट हो जाएगा, देखना बस कर दे। क्या हुआ भी? मैं फिर ओवर करूंगा ना, फिर कोई इरिटेट हो रहा है नहीं हो रही थी थोड़ा पर है यार, बैठी हुई थी पर मैं इधर कंफर्टेबल हो गई थी। नहीं अब तो मैं बैठ गया, बैठे बैठे कोई बात नहीं। ईगो रख के क्यों बोल रहा है वो? बैठना चाहते हो इसलिए बैठ रहे हो?
बोल रहा है लेकिन मुझे लग रहा है मैं गिर जाऊंगी। अबे गिर जाएगी यार, इसलिए बोल रहा हूं। गोवा वाइब्स आ रही हैं गाइस, यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि गोवा ही पहुँच गए हैं। जस्ट गिर जा तू, उधर कीड़ा कीड़ा भाई, भी ये देख गिरी भाई, कीड़ा कीड़ा क्या करूँ इसका, घर ले जाऊँ का बेस्ट फ्रेंड तू तू पहले जब मैं व्लॉग्स बनाती थी ना तो ऐसा होता था कि मैं बोलती थी कि गाइस अभी हम यहाँ जा रहे हैं, गाइस अभी हम गाड़ी में आके बैठ गए हैं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इतने टाइम से सिखा रहा था इसको ये बात, रियलाइज क्या हुआ तेरे को, मैं बोल रहा था कि सही ना ऐसे नहीं होता, जब आप बोल रहे हो मैं गाड़ी खोल रहा हूँ मैं आ जा रहा हूँ, दिख रहा है लोगों को, अंधे नहीं है लोग, यही तो कह रही हूँ। तो जब मैंने मुंबई वाला व्लॉग एडिट किया ना तो मुझे ये लगा कि पूरे व्लॉग में मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, हाय गाइस तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब ये होने वाला है, वही कर रही है ना, अब यहाँ पे काट देना चाहिए, अब चुप हो जाना चाहिए इस बात पे। सर मैंने तो ये भी व्लॉग कर लिया, अब तो ये भी कॉन्टेंट हो गया। ओके आ जाओ, ओ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, अब आपको कैसे पकड़ोगे भाई, कैसे पकड़ोगे, हम इरिटेट कर रहे हैं बेचारे बच्चे को, करने गए तू आपने सुसु बात है, तू कर दिया भाई, क्या सीन है, लेकिन मेरे